तो ही डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो चलो डिस्पोजिव एवरीवन राइट डाउन दिस टू क्वेश्चंस। पहले ये दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्पोजिव पावर ऑफ पॉलीक्रोमेटिक बीम एंड डिफाइन डिस्पोजिव पावर। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, द वेटेज इज 2 मार्क्स। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जिसमें ओनली डेफिनेशन यू हैव टू राइट, वेटेज इज 1 मार्क। तो लेट अस सी डेफिनेशन। एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटीरियल टू डिस्पर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज इस डिस्पर्सिव पावर। एग्जैक्टली, तो इट इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू डिस्पर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। एग्जैक्टली, तो इसके लिए पॉलीक्रोमेटिक है कि डिफरेंट कलर्स को कौन कौन से एंगल पे वो डिस्पर्स कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट डिस्पर्सिव पावर। It is major for any two colors as the ratio of angular dispersion to mean deviation. Ki dispersive power, haan, okay, I got message. Tanish ko beta kya chahiye? Can you show the first and second slide of angular dispersion? Afterwards, haan beta, afterwards. Ye answer hone ke baad main wo wale slides bata dungi. अभी तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द डेफिनेशन, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, दैट इज इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन। मतलब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। अच्छा, अभी उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो फॉर्म्यूला को पूरा वर्ड्स में दिया है इन्होंने कि इट इज मेजर फॉर टू कलर्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ हर एक कलर, 7 कलर्स में से हर एक कलर के एंगल निकालो, उसका डिफरेंस लो, राइट? उससे बेस्ट है फर्स्ट कलर एंड लास्ट कलर, इन दोनों के एंगल्स निकालो, कितने एंगल से ये डिविएट हो गए, एंगल ऑफ डिविएशन निकालो एंड अकॉर्डिंगली ओमेगा वैल्यू ढूंढो। तो डिस्पर्सिव पावर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है ऐसा, दिस इज डब्ल्यू, डब्ल्यू जैसा ये दिखता है पर ये डब्ल्यू नहीं है, इसको बोलते हैं ओमेगा, इट इज कॉल्ड एज ओमेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो पूरा फॉर्म्यूला है इसको ही वर्ड्स में लिखा है सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस क्या होगा, इट इज मेजर्ड फॉर एनी टू कलर्स, यस, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, हाँ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन इन द मीन डिविएशन। ये जो हमें दे रहा है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज द डिफरेंस ऑफ द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड वॉयलेट कलर एंड रेड कलर, कि वॉयलेट एंड रेड के बीच में कितना एंगल ऑफ एंगुलर डिविएशन का डिफरेंस है, इट इज दैट। एंड जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो क्या हो गया, मीन डिविएशन। मीन मतलब फर्स्ट कलर लास्ट कलर का एंगल ऑफ डिविएशन को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस इज द फॉर्मूला रिटन इन वर्ड्स, नथिंग एल्स, यस। किसका फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। यही फॉर्मूला को इन्होंने सेकंड पॉइंट में वर्ड्स में पूरा आई हैव गिवन इट, इन्होंने मींस आई हैव गिवन इट, ओके। सो लेट अस सी फर्दर। एज अ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डिविएशन फॉर टू डिफरेंट, फॉर द टू एक्सट्रीम कलर्स, व्हाइट लाइट डिस्पर्सिव पावर इज गिवन बाय दिस। फॉर द व्हाइट लाइट इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर upon delta V plus delta R upon 2. So all of you note down this and then I will go for If you are done with the writing part, please tell me, let me know. Are you all done with the writing part? Okay, I got message. Let me read it. Ma'am, please wait. हाँ बेटा. Wait, ma'am. Okay, बेटा. Jayesh and Ganesh, they are done. Okay. Okay, I got message. Rhythm done. Okay. Harshada done.
I got messages. Yash Kuli, Ashley. अभी तक जितना सिखाया उतना नहीं बेटा. ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड. एशली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस स्लाइड. वॉट एवर इज रिटन ऑन दिस स्लाइड एटलीस्ट यू शुड नोट डाउन दैट. नोट डाउन दैट देन आई विल गो फर्दर. डन. ओके. नाउ फर्दर इज ओमेगा. Omega formula, I'll show you in this last slide so that you all remember. Omega formula is dispersive power is nothing but delta V minus delta R. I'm writing it here so that you all see it carefully. Delta V plus delta R by 2. So this is nothing but mean of the two colors. Okay, now abhi. Ashley, unmute yourself, beta. I'm not getting what you want to say. You are asking questions. I'm not getting it. What you want to say? Please unmute and talk. Abhi tak nahi sikhaya. What? You are talking about which topic? I am not getting it. Ashley, unmute. Ashley Lobo. Ashley, unmute yourself. Okay, chal. Now delta V minus delta R upon delta V plus delta R by 2. Now let us substitute value of delta V and delta R. Chalo, who will tell me? Yes, let me ask question and let me see. Who will tell me which value am I supposed to substitute? Kaun sa value substitute karu? Delta V. In place of delta V, kaun si value substitute karu? Kaun mujhe batayega? कि अगर सपोज मैं यहाँ पे डेल्टा वी लिख रही हूँ तो कौन सी वैल्यू विच फॉर्मूला एम आई सपोज टू राइट हियर. डेल्टा वी ए इनटू एन वी माइनस वन टू. गुड. एक्सेलेंट बेटा. ए इनटू एन टू द बेस वी सफिक्स वी माइनस वन. दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम विच प्रिज्म फॉर्मूला इज दिस. Too good. This is the formula of thin prism. ये thin prism का formula है. Remember कि last के जो दोनों पे derivations है उसमें पूरा हम thin prism के formulas ही use कर रहे हैं. So this is the formula from thin prism कि delta V is nothing but A in the bracket NV minus 1. Okay, now. So who will tell me delta R formula? Delta R क्या होगा यहाँ पे? A into NR minus 1. Too good. A into nr minus 1. Same thing. I'm going to substitute in the denominator as well. So see here. Achha, after substituting, are we going to get this? Substitution ke baad kya hume ye milega? Do you all agree? Delta V ki jagah pe, see here, directly I have written, huh? Delta V ki jagah pe aap daloge A in the bracket. I am solving for all of you. A in the bracket and to the base V minus 1 minus delta R ki jagah pe we are going to substitute A in the bracket N to the base R minus 1 upon delta yellow. Delta yellow ko direct formula hai. Average of red and violet color is yellow color deviation. So delta yellow formula is A in the bracket n to the base y minus 1. अभी जब आप न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो अभी आई टॉट न्यूमरेटर में क्या होगा. दिस ये वाला a और ये वाली गेट्स कैंसिल तो हमें मिलेगा a कॉमन nv minus nr. एंड डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई फॉर्मूला इज a इन द ब्रैकेट ny minus 1. नाउ दिस a एंड a गेट्स कैंसिल. तो वंस दिस टू वैल्यू गेट्स कैंसल तो हमें क्या मिलेगा एन वी माइनस एन आर अपॉन एन येलो माइनस वन. यस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर.
same physical quantity. Yes, check it out. Last two sentence, omega is the ratio of same physical quantities. It is unitless and dimensionless quantity. Omega is just a ratio of n upon n. So unit gets cancelled. Therefore, it has no unit and no dimension. And dispersive power depends only upon refractive index. Exactly. If you look at formula, agar aap dhyan se formula ko dekhoge, to aapko samajh mein aayega ki dispersive power purely refractive index ke upar hi dependent hai. So all of you write down. I will wait for you all to complete. All of you write down. Done, ma'am. Done, ma'am. Very good, Peter. Very good. Done, ma'am. Very good. Achha, now, whoever wants to see slides from the today's lecture, is there anybody? Jain. Yes, ma'am. Jain. Tanish ne pucha tha, I guess. Tanish, haan. Okay, Tanish. आज हमने यहां से स्टार्ट किया बेटा मीन डिविएशन से. तनीश आपके जैसे ही लिख के हो जाता है मुझे बताओ बेटा फटाफट में आगे आपको बता दिया. डन. ओके नेक्स्ट स्लाइड. ये इसके बाद वाली स्लाइड है. डन डन. ओके बेटा. एंड this is also part of the same answer. Done, ma'am. Thank you. Done. Okay, beta. And then from this question. Okay. So everybody, you, yes. This is another question. Dispersive power. And it gets over here. Okay, so we are done with two small topics based on pura prism pe tha, mean deviation and dispersive power. Okay, both the questions are expected question for the point of view of numericals. Numericals as well as theory, no doubt at all. Next, defects of lenses. Abhi pura naya hi topic hai, defects of lenses. इसके बाद वाला जो टॉपिक था वो पूरा एलिमिनेटेड है. रेनबो का जो पार्ट है, यस, एप्लीकेशंस जो भी है वो सारे एलिमिनेटेड हैं. एंड दिस इज 9.10. सो टेक्स्ट बुक में 9.9 है वो पूरा एलिमिनेटेड है. नाउ वी आर डूइंग 9.10 व्हिच इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो वी आर अबाउट टू फिनिश. अभी 9.10 के बाद 9.11 में आई थिंक ओनली वन पार्ट वी हैव टू लर्न, क्योंकि वैसा 9.11 में बोला गया है कि लास्ट पार्ट ऑफ 9.11. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविएशन एंड डिस्पर्जन. टू गुड बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन. कि डिविएशन क्या है? तो डिविएशन डिस्पर्जन मीन्स डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, राइट? व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम तो इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स. सो स्प्लिटिंग अप ऑफ पॉलीक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम दैट इज डिस्पर्जन. एंड डिविएशन बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम. एंड नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन नहीं भी होगा तो भी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द रे बेंड्स, द रे ऑफ लाइट बेंड. तो डिफरेंट, अभी पॉलीक्रोमेटिक में क्या हो रहा है कि डिफरेंट इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है? तो डिफरेंट कलर्स आर बेंडिंग एट अ डिफरेंट एंगल्स. तो वो उनके जो एंगल ऑफ बेंडिंग है उनके बीच का जो भी डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे इज दैट वी कैन कॉल इट एज अ डिविएशन. कि हाँ, बाय दिस मच एंगल इट इज गेटिंग डिविएटेड एंड दिस इज द एंगुलर डिविएशन बिटवीन द टू कलर्स. सी, आई विल क्लियर इट आउट एवरीथिंग राइट नाउ. यस, हाँ, नो कंफ्यूजन शुड बी. सी हियर, एंगल डेल्टा इज ऑलवेज एंगल ऑफ डिविएशन. एंड जो हमने डेल्टा वी आर फाइंड आउट किया था, सी हियर, मीन डिविएशन. यस, सो यहाँ पे डिविएशन क्यों हुआ? व्हाई वी आर फाइंडिंग मीन डिविएशन? क्यों हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ा? बिकॉज
जब ये व्हाइट रेस स्प्लिट्स अप इनटू सेवन कलर्स तो वो सारे सेवन कलर्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं. दे आर ट्रैवलिंग विद डिफरेंट स्पीड. देयर वेवलेंथ्स आर डिफरेंट. पॉइंट नंबर वन, उनकी स्पीड डिफरेंट है. पॉइंट नंबर टू, इनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट है. पॉइंट नंबर थ्री, हर एक कलर की रिफ्रेक्टिव इंडाइसेस इज डिफरेंट विद द मीडियम. पॉइंट नंबर फोर, ऑल आर जब ही सारे कलर्स बाहर निकलते हैं अगेन प्रिज्म टू आउटसाइड तो दे बेंड एट एन डिफरेंट डिफरेंट एंगल. So that is what we are finding deviation. They are deviated at different, different angles. And dispersion is just splitting. Okay, let me show you. All of you wait a moment. I will show you all. Where did we did dispersion? Yes, here I guess. नहीं बेटा, बाकी बच्चों को फिर किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना कि डिस्पोजन में क्या है. एंड सी हियर, सो लेट मी शो यू ऑल फ्रॉम हियर. यस, सो दिस इज जस्ट, लेट मी टेक माय पेन हियर. दिस इज ओनली डिस्पोजन. Yes, when a white light is passed through a glass prism, it splits into spectrum of colors. And this process of white light splitting into the constituent colors is termed as dispersion. That's it. So now doubt is clear. Deviation and dispersion ka doubt clear hai, everyone? Yes, miss. Everyone? Thank you, miss. हाँ बेटा, क्योंकि किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए. सी, यहाँ पे मैंने दिखाया कि पर प्रॉब्लम क्या है कि every light travels with a different velocity. Every light has got different wavelength. Yes, did they travel with a different velocity, different wavelength? हाँ मैम, आप स्टार्टिंग से स्लाइड दिखाओ प्लीज, बिकॉज मेरे फोन स्विच ऑफ हुआ था. बापरे सुजन, स्टार्टिंग से हाउ इट इज पॉसिबल? आज का लेक्चर का ना सुजन, टूडेज लेक्चर ना. हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो दिस एंगुलर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट कलर इज द डिविएशन. आज का बेटा, आज का हमने ये तो, दीज आर द डेरिवेशंस, थिन प्रिज्म. हाँ ये रहा आज का बेटा, आज का यहां से मैंने सिखाया है एंगुलर डिस्पर्जन एंड मीन डिविएशन. आप फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट. डन मैम. नेक्स्ट. डन मैम. नेक्स्ट. डन मैम. नेक्स्ट. डन. ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट. डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेस. Defects of lenses, the defect of lens is called as aberrations of optical images. Ki why there are errors seen when the images are produced. When the ray of light passes from lens, usko bolte hai aberrations. So aberrations are nothing but aberrations of optical images. Optical images jab hi bante hai to kaun kaun se errors produce hote hai by the lens. To lens se bahut sare errors hote hai. To aberrations mein bhi bahut sare types hai. There are different types of aberrations. Okay, and this is which topic I am teaching now? 9.10. remember, this is the last topic of our chapter. Okay, chromatic aberrations, spherical aberrations, the types of aberrations. So let us do different types of aberrations. Okay, the first one is, to sabse pehle to aapko aberrations means kya wo clear hona chahiye, right? So aberrations of optical image. So all of you read the points which I have written here on the slide. All of you read it. Chromatic aberration. Lenses are prepared by using the transparent material medium having different refractive index for different colors.
A convex lens can be approximated to two thin prism connected base to base. अच्छा अभी अभी यहाँ पे देखो ब्यूटीफुली इन द डायग्राम दे हैव शोन कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे तो दो प्रिज्म के बेस को कनेक्ट किया, पर ये तो प्रिज्म नहीं दिख रहा है, अरे ये थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म। अच्छा लेट मी ड्रॉ प्रिज्म हियर। हाँ प्रिज्म हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सी हियर दिस इज वन प्रिज्म एंड दिस इज अनदर प्रिज्म, बट व्हाट इफ द प्रिज्म इज थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म तो ऐसा ही होगा ना ऑलमोस्ट, yes and this is thin prism, so when two thin prism, yes, so convex lens can be approximated to two thin prism abhi approximated ki yes it can be visualized like this aur aise aise hoti hai, so this is double convex lens, huh? Double convex lens can be approximated jab do thin prism ke base to base connect hoga, and what about concave, concave to ulta le lo aisa, yes like this, see like this कि ऐसे किया तो कॉन्वेक्स, एंड वही प्रिज्म के अगर वर्टेक्स, वर्टेक्स तो लेट मी ड्रॉ हियर कि कॉन्केव कैसे बनाना है, तो कॉन्केव के लिए वी विल ड्रॉ लाइक दिस, पहले मैं पूरे प्रिज्म ड्रॉ करके दिखाती हूं, ये देखो बन गया कॉन्केव जैसा, डू यू सी कॉन्केव जैसा दिख रहा है ना, तो हाउ द कॉन्केव कैन बी फॉर्म, कॉन्केव व्हेन देयर when their vertex are touched and convex when their base are touched, right? So concave lens, those are vertex to vertex, and convex base to base. Now next point, if the lens is thick, this will result into a different foci corresponding to each color. Yes, agar lens thick hai to alag alag color ki alag alag foci point pe girenge, and each color for a polychromatic beam like a white light, this defect is called as chromatic aberration. Now don't worry, maine jitne bhi aberrations yahan pe label kiye hain ye sare maine diagram ke sath aapko bataya, to fir aapko acche se samajh mein aayega, jaise ki violet beam focused closest to pole as it has maximum deviation, violet zyada karke pole ki taraf jata hai, pole ki taraf bend ho jati hai, theek hai। अच्छा क्रोमेटिक एबरेशन का डायग्राम दिखाऊंगी, पहले देखो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटिक एबरेशंस क्या है, व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटिक एबरेशंस, क्रोमेटिक के भी बहुत सारे टाइप है, तो फर्स्ट है लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन, देन सेकंड इज ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबरेशन, थर्ड इज सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, एंड द लास्ट इज स्फेरिकल, दिस इज फॉर मिरर्स, स्फेरिकल एबरेशन, अ काइंड ऑफ एबरेशंस। क्रोमेटिक के ये तीनों टाइप्स है, दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटिक एबरेशंस। तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमेटिक क्या होगा, आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में, अभी यहाँ पे देखो, यस नाउ यू ऑल विल अंडरस्टैंड, तो लेट मी स्विच ऑफ माय कैमरा। हाँ, इफ अ लेंस कैन नॉट फोकस डिफरेंट कलर इन द सेम फोकल प्लेन, अभी देखो यहाँ पे दिस इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यहां से इंसिडेंट रेज आर कमिंग, यस ये जो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हैं इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज, दीज रेज आर कॉल्ड एज पैरा एक्सियल रेज। यस सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से रेज को पैरा एक्सियल, जो रेज एक्सिस को पैरेलल होते हैं वो पैरा एक्सियल होते हैं। अच्छा यहाँ पे अंदर गए लेंस के अंदर, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन सफर किया तो इट स्प्लिट्स अप इनटू कलर बिकॉज़ इट क्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट है, वापस यहां से निकलेंगे तो वापस इट विल स्प्लिट अप इनटू कलर, बट लुक एट दिस कि एक्सिस पे द कलर्स आर नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट, वॉयलेट कलर्स आर मीटिंग हियर, देन द ग्रीन कलर इज मीटिंग हियर, देन द रेड कलर इज मीटिंग हियर, एक्चुअल में हियर द ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बन रही है, बट instead of getting the clear concentration of color at one point, एक ही point पे सारे color concentrate होने चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, yes सारे color अलग अलग points पे meet हो रहे and the image is formed, तो वो that image जो बनेगा that image will not be a clear image, ठीक है, वो clear image नहीं होगी, first point, okay that image will contain lot of errors, तो ये जो error हुआ है in the formation of image उसको ही बोलते हैं aberration, okay तो longitudinal aberration कौन सा है जो principal axis पे होता है, chromatic aberration, longitudinal chromatic aberration कौन था ये
अभी जो बोला जिसने longitudinal chromatic aberration, सिद्धार्थ सारे में longitudinal हाँ तेरा माइक ऑन था longitudinal chromatic aberration. तो longitudinal chromatic aberration, longitudinal मतलब जो principal axis पे जो error होगा image बनने के time पे उसको बोलेंगे longitudinal chromatic aberration. Definition देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, if a lens cannot focus different colors in the same focal plane, it is caused by the straight incident light. The foci of the different color lies at a different focal points in the longitudinal direction along the optical axis. Okay. So this is the definition. So all of you note down this definition. This is not there in the textbook. Textbook में पर इन्होंने सारे aberrations की labeling करके दे दी है अच्छे से. हाँ कि ये होते हैं, ये क्या होते हैं वो कुछ भी नहीं दिया है. ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सब कुछ बताया है पर क्या होता है वो नहीं बताया है. तो वो सब के बारे में I have given a, I have shown diagram along with the explanation. तो आपको समझ में आए. ओके इफ यू आर डन देन टेल मी. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. डन मैम. डन बेटा. वेट मैम. ओके आई विल वेट. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर रिप्लाई. इफ यू आर सेइंग के डन देन आई विल गो फर्दर. All the best for tomorrow's exam. Those who are having exam thank tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, miss. Thank you, miss. All of you do preparation. Preparation अच्छे से करो. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Someone voice is coming as if he is singing. That is because of network issue. Okay, are you all done with this? Done, ma'am. Yes, miss, done. Done, ma'am. Acha, anybody, maybe the voice is mine. Sujan. Acha, everyone understood longitudinal chromatic kya hoga? Longitudinal means along the principal axis. Principal axis pe jo jahan pe image ban rahi hai, principal axis pe ho. प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज का जो पॉइंट होना चाहिए वहां पे प्रॉब्लम होता है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन. नेक्स्ट वन ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबरेशन. ट्रांसवर्स तो देखो ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लेटरल एबरेशन. Exactly. तो ट्रांसवर्स में देखो आपके एबरेशन दिखा है कि रे ऑफ लाइट सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इमेज के नीचे की तरफ जा रही है. इसका मतलब इमेज की साइज को रिलेटेड है. इमेज लॉन्ग शॉर्ट जब भी बन रही होगी तो उसकी साइज उसकी जो अगर कोई इमेज सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज अगर इतनी बननी है तो उसकी जो लेंथ है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है there is some error occurred in showing the length of the image then it is called as lateral or transverse aberration. Okay? तो देखो यहाँ पे डायग्राम में यू कैन सी कि डिफरेंट कलर्स आर फोकस्ड हियर एट द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स. यस एट द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे ऑल आर नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट. Right? तो transverse aberration is also called as lateral aberration when the size of the image changes with the wavelength. In other word, when white light is used, red, yellow, and blue wavelength focus at separate points in vertical plane. Yes. So when the size of the image changes, that error occurred. When the image is formed, this error, ये जो mistake है वो होती है when जब image formation होता है. So that aberration is called as transverse chromatic aberration. Okay? ये ऐसा वर्टिकली हो रहा है वर्टिकली. लॉन्जिट्यूडिनल कैसा हो रहा था हॉरिजॉन्टली. ट्रांसवर्स कैसा हो रहा है वर्टिकली हो रहा है.
down, all of you note down. Everyone understood? Yes, ma'am. Okay, now. So, are you all done with the writing part? Ma'am, please wait. I will wait. This is not there in the textbook. Aberrations, bolo beta. Kiska doubt hai, bolo. Ma'am, please explain one more time. हाँ, कौन सा वाला transverse? Yes, ma'am. अच्छा, transverse में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे, transverse में diagram पे focus करो. Transverse में क्या होगी कि ये जो when the ray of light, I will show. This is the incident ray. ये incident ray है. ये lens के अंदर जा रहा है. यहाँ पे refraction होगा at this point. Bent होगा. वापिस यहाँ पे refraction होगा. तो इमेज सपोज इतनी ही हाइट की बननी थी तो इमेज हाइट कुड बी मोर और इमेज हाइट कुड बी लेस या तो लेस हाइट की बनेगी दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबरेशन की कलर्स फाइनली एक जगह पे फोकस नहीं हो रहे अच्छे से फोकस नहीं होगा मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बराबर से उसकी साइज वाइज वो इमेज बराबर नहीं बन रही है ऐसी जो एरर होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एबरेशन क्रोमेटिक एबरेशन समझ में आया यस मैम ओके दीप पूछ रहा था कौन पूछ रहा था ये हु वाज आस्किंग इट एवरीवन अंडरस्टूड लेंथ वाइज प्लेन दिखना है वेरी गुड दैट यू आस्क बेटा प्लेन समझो कि व्हेन ट्रांसवर्स होगा तो प्लेन ये होगा वर्टिकल प्लेन होगा एंड व्हेन लॉन्जिट्यूडिनल होगा तो प्लेन इज हॉरिजॉन्टल एरर होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एरर होगा एक्सिस के ऊपर एरर होगा हॉरिजॉन्टली एंड ट्रांसवर्स है तो वर्टिकली एरर होगा वर्टिकली एरर होगी ओके आई गॉट क्वेश्चन तनिश ओके बेटा This is very important. Okay, when I say longitudinal means error is on the principal axis. And when I say transverse means error is on in the vertical plane. Screen. Okay, beta. Done? Okay. Next. Yes. Circle of least confusion. Next is this. Circle of least confusion. मैंने ये भी एक एबरेशन डाला था कि सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन इफ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक कि देयर इज वन सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन करके तो अभी सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन क्या है तो सी हियर अभी ये देखो ये रहा ट्रांसवर्स एंड दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल ये जो है ना ये एरर ये लॉन्जिट्यूडिनल है तो लॉन्जिट्यूडिनल एरर इज अलोंग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एरर और जो वर्टिकल एरर होता है दैट इज ट्रांसवर्स एरर यहाँ पे सारे एरर एक साथ दिखाए इन ऑप्टिक्स सर्कल ऑफ कंफ्यूजन इज एन ऑप्टिकल स्पॉट कॉज्ड बाय द कोन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द लेंस नॉट कमिंग टू अ परफेक्ट फोकस यस कि सारे रे ऑफ लाइट आर नॉट फोकस्ड एट वन पॉइंट उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं कहीं पे बीच में स्पॉट बन जाएगी बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर जैसे कि यहाँ पे ब्लू एंड रेड कलर मिल गया है राइट गलती से तो यहाँ पे और ये रेड कलर दूसरी वाली तो यहाँ पे बीच में एक स्पॉट बन गया लाइट वाला स्पॉट ऑप्टिकल स्पॉट बोलते हैं तो ऐसे वाले को बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ऑफन रिफर्ड एज द ऐसे जो स्पॉट्स बनेंगे दैट अ लेंस कैन प्रोड्यूस इज ऑफन रिफर्ड टू एज सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ये डायग्राम में ऑल द एरर्स आर गिवन सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन लॉन्जिट्यूडिनल जो हॉरिजॉन्टली हो रहा है ठीक है एंड ट्रांसवर्स वर्टिकल एरर है वो भी दिखाया है सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट Okay, I got message.
हाँ, all these aberrations are produced by double convex. फिलहाल तो double convex ही है. Aberrations error तो बेटा single से भी होगी, but single से कम होगी क्योंकि surface कम है ना, उतने refractions कम suffer करेंगे. यहाँ पे क्या है, दो बार refraction हो रहा है तो first time refraction हो रहा है तो अंदर bend हो रहा है, फिर दूसरी बार refraction हो रहा है तो बाहर निकल रहे, तो बेटा वहां पे चांसेस, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है. सिंगल वाले में एरर कम रहेंगे क्योंकि एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एरर कम होंगे. पर वैसे भी इमेज के लिए तो सारे डबल ही चाहिए ना, ज्यादा करके मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशन के लिए डबल लेंस ही चाहिए, डबल लेंस. वही तो हमने सीखा ना लेंस मेकर इक्वेशन में कि इमेज फॉर्मेशन के लिए ज्यादा करके डबल लेंस चाहिए. So if you all are done with this, tell me. Okay, I got message. ओके, हु आस्क्ड दिस, लेट मी सी. तनिश, तनिश ने पूछा कि पैराएक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज फोकस क्या है. वाओ, टू गुड क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन तनिश, आई मस्ट से हाँ अप्रिशिएट. कि पैरा, जैसे कि डायग्राम में सब लोग रीड करे पर किसी ने पूछा नहीं कि मार्जिनल रे फोकस क्या है और पैराएक्सियल रे फोकस क्या है. मार्जिनल रे फोकस में देख रहे हो रेड लाइट जहां पे मीट हुई, तो रेड लाइट डायरेक्टली ऐसे आपके मीट हो गए टेढ़ी. रेड लाइट जरा भी पैरेलल नहीं ट्रेवल किया है. जब ये ब्लू लाइट, ब्लू रे ऑफ लाइट है तो ब्लू रे ऑफ लाइट इनिशियली पैरेलल है. ये देखो, इनिशियली दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फिर यहाँ पे मीट कर रही है. तो जो रेस जो इनिशियली पैरेलल जाएंगे और फिर मीट करेंगे फोकस पे, तो दैट इज पैराएक्सियल रे फोकस. एंड द रेस विच डज नॉट ट्रेवल पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस और जहां पे मीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रे फोकस. एक्सलेंट क्वेश्चन. सबको समझा कि पैराएक्सियल रे कौन से हैं? नॉन पैराएक्सियल रेज वो होंगे जो पैरेलल ट्रेवल करेंगे टू ऑप्टिकल एक्सिस, राइट? दे आर पैराएक्सियल रेज. एंड नॉन पैराएक्सियल रेज वो है जो ऑप्टिकल एक्सिस को पैरेलल नहीं ट्रेवल कर रहे. जैसे कि रेड कलर देखो, रेड ऐसी है और दूसरी रेड नीचे वाली ऐसी है, वो ऑप्टिकल एक्सिस को पैरेलल नहीं है. पर ब्लू लाइन देखो, ब्लू स्टार्टिंग में पैरेलल है फिर जाके ऐसे हुए, तो ब्लू आर पैराएक्सियल एंड द रेड इज मार्जिनल. क्लियर सबको डाउट? यस मिस. करेक्ट. सो शैल आई शो द स्लाइड्स अगेन फॉर दिस एरर्स के लिए? एरर्स, anybody wants to see error slide? Aberration सबको समझ में आया? Aberrations क्या है? Aberration word for optical image क्यों है? Because errors occurred in the formation of image. Image बनने के लिए जो error होते हैं, that is called aberrations of optical images. समझ में आया? And it is because of the lenses, defects of lenses. कि lenses में defect है, इसके लिए ये errors हुए. Okay? Yes, miss. मैम लास्ट स्लाइड का आपको नजर है? हाँ हाँ, दाखव दे. ये वाला बेटा, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन. हाँ, ओके. डन मैम. ओके बेटा. सो नाउ हियर, नाउ वी विल डू इट some part from textbook because I have kept only this much in my slides. So, or shall we end our lecture here? You all want to study for tomorrow's exam? Yes. Or I, what? Batao mujhe. You all want to study for your tomorrow's exam or shall I go continue with the textbook? Study. Study? Who's saying it's study? ओके ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर. हाँ बोलो. हेलो हेलो.
I could not hear. Okay, ma'am, no problem. Okay, so Tanish, 9.9 and 9.11 are cancelled, but 9.11 में पूरा कैंसल नहीं है. उसमें बोला है कि लास्ट पार्ट इंक्लूड करना है या फिर फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज दैट, तो वो मैं पूरा क्लेरिफाई करके सिखाऊंगी. ठीक है, सो वी विल स्टॉप अवर लेक्चर. मैम हाँ बोलो. आई आस्क यू क्वेश्चन, प्लीज टिक द मैसेज बॉक्स. हाँ ओके. हाँ सुजल, रेड हैज लार्जर वेवलेंथ, सो दैट्स व्हाई इट इज मार्जिनल रे फोकस. और ऐसा तो नहीं है बेटा रेड की लार्जर वेवलेंथ है, बट कुड बी रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन हो सकती है. हाँ रीजन बोल सकते हो वैसे, चेक करके बताऊंगी, कंफर्म बताती हूँ फिर भी. हाँ ओके, सो लेट मी शेयर माय टेक्स्ट बुक नाउ. Yes. Bye, Miss. Yes, she is saying bye, Miss. So textbook में देखो, यहाँ पे students all of you see in the textbook कि here it is mentioned. यहाँ पे देखो. Yes. If the lens is thick, this will result into note. Okay, ये aberrations सारी यहाँ पे aberrations देखो. This defect is called as chromatic aberration, violet being focused closest to the pole. हाँ, yes. Has a maximum deviation and यहाँ पे देखो. Longitudinal chromatic aberration, transverse chromatic aberration, circle of least confusion are defined in the same manner as that of spherical aberrations for spherical mirrors. सारे aberrations के बारे में they have mentioned, right? अच्छा अभी ये देखो, क्रोमेटिक एबरेशंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस से क्रोमेटिक एबरेशंस कैसी होगी, राइट? तो कॉन्वेक्स लेंस में देखो, दिस इज अ वाइट रे ऑफ लाइट, हाँ मैम इन कॉन्वेक्स, तनिष का क्वेश्चन है, द वर्टेक्स आर मीटिंग, सो एंगल ऑफ कर्व सरफेस शुड बी लेस ना, एंगल ऑफ कर्व सरफेस. हाँ बेटा यहाँ पे वर्टेक्स ही तो ऐसे, यहाँ पे लेट मी टेक माय पेन हियर फर्स्ट. ओके वेयर इज द पेन. यस, तो यहाँ पे एंगल ऑफ, ये देखो बेटा ऐसे वर्टेक्स मिलेंगे, ऐसा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मिलेंगे, बट वर्टेक्स देयर शुड बी सम ऐसा स्पेस रखेंगे ना, देन ओनली दिस लेंस कॉनकेव लेंस बनेगी. तो अभी आपका क्वेश्चन क्या था, कर्व सरफेस शुड बी लेस ना. हाँ एंगल ऑफ कर्व सरफेस मतलब अंदर की ऐसे ना, ये ऐसी है, बराबर है आपका क्वेश्चन. अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्रोमेटिक एबरेशन देखो, व्हाइट लाइट आ रहा है, दिस इज व्हाट वायलेट्स आर मीटिंग हियर, एंड रेड देखो कैसे मिल रहे हैं, एक वायलेट और रेड तो यहाँ पे मीट हो रहे हैं, और दूसरी वॉयलेट एंड रेड यहाँ पे मीट हो रही ए बी पे, राइट? एंड फाइनली रेड यहाँ पे भी मीट हो रहे हैं, वॉयलेट्स यहाँ पे भी मीट हो रहे हैं. सी सेम थिंग इज हियर, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस, रे डाइवर्ज होते हैं, तो रे ऐसे स्प्लिट होते हैं. तो सी हियर बैक साइड देखो कैसे रेज मीट हो रहे हैं, ये दोनों भी डायग्राम्स है, ये एबरेशंस के डायग्राम्स है, एरर के डायग्राम्स है, कि एरर कैसे दिखाया है. उससे बेस्ट द डायग्राम्स विद द व्हिच आई हैव शोन आर मोर क्लियर, जो डायग्राम्स मैंने दिखाए वो ज्यादा क्लियर डायग्राम्स थे. अभी नेक्स्ट, ये तो यहां तक तो आपने लर्न किया कि व्हिच आर द एबरेशन, पर अभी रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग एबरेशंस, सो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, द क्वेश्चन इज व्हिच आर द स्टेप्स, कि कौन से स्टेप्स हम करेंगे टू रिड्यूस क्रोमेटिक एबरेशन, कि ये जो क्रोमेटिक ऑप्टिकल एबरेशंस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे. तो लेट अस सी, एलिमिनेटिंग क्रोमेटिक एबरेशन साइमल्टेनियसली फॉर ऑल द कलर इज इम्पॉसिबल, करेक्ट, कि सारे कलर्स की
एरर निकाल दो ये इम्पॉसिबल है. सो इसके लिए वी ट्राई टू एलिमिनेट इट फॉर एक्सट्रीम कलर्स. तो खाली हम एक्सट्रीम कलर्स पे फोकस करेंगे. व्हेन वी विल फोकस ऑन ओनली एक्सट्रीम कलर्स तो बाकी के कलर्स का भी एरर्स रिड्यूस हो जाएगा. यस, तो लेट अस सी. Reduce it for other color too. Convenient method to do is use either a convex and a concave lens in contact or two thin convex lens with proper separation. Yes, excellent. कि दो थिन, instead of using one lens, कि दो थिन लेंस यूज करो एट अ प्रॉपर सेपरेशन. तो फर्स्ट लेंस से इमेज बनने में जितने भी एरर्स आए थे that gets minimized because of the second lens. जब वो second lens से भी rays जाएंगी तो वो error minimize हो जाएगा. ये first method है. हाँ, first method है. Convex and concave lens, convex और concave को भी contact में with the two thin convex lens with proper separation. Such combination is called as achromatic combination. तो जब ये ऐसा combination बनेगा, combination of lenses together, to reduce the error in the formation of image, इसको बोलते हैं achromatic combination. Achromatic combination of two lens in contact. अभी दो lens को contact में करेंगे. Yes. तो दो दो dispersive power हो गया. Omega one is the dispersive power of the first lens and omega two is the dispersive power of the second lens. To be the dispersive powers of material of the two component lenses used in contact for achromatic aberration. Chalo. तो ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर द डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू लेंसेस. देयर फोकल लेंथ एफ फॉर वायलेट, रेड एंड येलो अज्यूम टू बी द मीन कलर. येलो मीन कलर है, वी नो दैट. लेट के वन इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू फॉर लेंस वन. यस, दिस इज फॉर लेंस वन. एंड के टू इक्वल्स टू वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर टू फॉर लेंस टू. Right? These are the constant values of the radii of curvature of the first lens and the radii of curvature, difference of the radii of curvature of the second lens. Yes, R1 and R2 kya hai? Toh dekho yahan pe, agar main ek lens leti hu, toh ye curve surface ki jo radii of curvature hogi, wo hogi R1. Ye jo radii of curvature hogi, that is R2. Right? Aur humne pehle bhi derive kiya tha. I will show you where it is. ये पूरा एलिमिनेटेड पार्ट है. लेट मी शो यू ये हमने कहां पे सीखा था. सी यहां पे लुक एट दिस फॉर्मूला. वन अपॉन एफ इज वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इंटू एन माइनस वन. It is this formula. यही formula है lens maker equation. Lens maker equations, but they have taken 1 upon R1 minus 1 upon R2 this value as a constant value. एक constant value ले ली है. Only 1 upon R1 and minus 1 upon R2 they have substituted as a constant value. So let us go for our today's derivation. Here, see here. So let K1, let means, chalo assume kar dete hai. Let K1 is 1 upon R1 minus 1 upon R2 of lens 1. And K2 is 1 upon R1 minus 1 upon R2 for lens 2. And for two lenses in contact, 1 upon F focal length ki relation kya hogi? 1 upon F1 plus 1 upon F2 to be used separately for respective colors. For the combination of achromatic. So for violet it is 1 upon Fe, for red it is 1 upon Fr. So see yahan pe for violet or red ka focal length of combination must be same, kyunki hum yahan pe error nikal rahe hain. Iske liye the focal length of the red and the violet should remain same for both the colors. So 1 upon Fe and 1 upon Fr will also be remain same. अच्छा, ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर द फर्स्ट लेंस एंड ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर द सेकेंड लेंस. टोटल वन अपॉन एफ वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेंस इज इक्वल टू टोटल वन अपॉन वैल्यू ऑफ द सेकेंड लेंस. सो वन अपॉन एफ वी प्लस वन बाय एफ
2v is equal to this. And see here, 1 upon f ka formula is n minus 1 into k. Humne pehle se hi assume kar liya hai 1 by r1 minus 1 by r2 as k. So these values are substituted and finally we will get this formula. Okay. So chalo, I'll show you next time formula in my PPT slides mein calculations easy karke acche se dikha dungi. Otherwise you can read it from here also. It is very easy. Everyone understood this? Yes, ma'am. Ma'am, what is 1v2v1r2? Haan, bolo. Kya, what is 1f1v? 2v2v. 2v. 2v is the focal length of violet color for the second lens. Do lens leni na beta, do lens leni abhi, separate. One lens, second lens. So, jahan pe bhi suffix 1, 1 hai na, wo first lens ke liye. Aur jahan pe bhi suffix 2 hai na, wo second lens ke liye. Matlab, first lens se jabhi violet color jayega, to uske liye jo focal length legi, wo FV1V. And second lens se wapis wo jabhi jayegi, to 2V. Vaise. Samjha? Yes, ma'am. Chalo, we'll discuss this next session mein. Till then, all the best for your exam. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. This is the last derivation. Thank you. Last derivation of the chapter, okay? Okay, ma'am. Last derivation of the chapter. Okay, can you please explain mirror image? Mirror image ka formation kaise hota hai, wo janna hai Harsh? Yes, miss. To mirror image mein to beta reflection hota hai, seedha reflection hai. Matlab suppose yahan pe agar mirror hai, to how the mirror image is formed? Here is the object. To ray of lights are coming here and it gets reflected back. To waise formation hoga. अभी ये जितना पोर्शन यहाँ पे जितनी पोर्शन से लाइट नहीं जा रहे है, राइट? तो रिमेनिंग जहां जहां से लाइट जा रहा है, फॉल हो रहा है उतना. जैसे कि सी हाउ इट इज फॉर्म, लाइट इज फॉलिंग ऑन द मिरर एंड देन इट इज फॉलिंग ऑन द बॉडी एंड अगेन इट इज फॉलिंग ऑन द मिरर. तो ऐसे इमेज होती है मिरर इमेज. इसकी भी पूरी डेरिवेशन है मिरर इमेज की भी, पर नॉट इन दिस सीबीएसई में अब मिलेगा. सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड. मैम, वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज मिलते हैं और कहाँ पे वर्चुअल मतलब पॉइंट इमेज मिलते हैं, मैम वो जानना था. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का? यस मिस. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफाइड इमेज कहाँ पे बनेगी? अभी फॉर एग्जांपल I'll tell you. Say for example, concave mirror ले लिया, ठीक है? तो concave mirror में initially when the object is close, तो very large image is produced, and then as the distance increases, at one particular point it disappears, पूरी गायब हो जाएगी. That is focus point, ठीक है? वहाँ पे no image will be formed, और फिर वापस आप ऊपर लोगे तो उसका जो real size of the image starts forming. पर इनिशियली जब ये कॉनकेव मिरर के नजदीक ऑब्जेक्ट रहता है तो कैसा इमेज होता है मालूम है? इन्वर्टेड इमेज होता है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर करोगे आप, एज द मिरर गोज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इमेज साइज बिकम्स बड़ी एनलार्ज होती जाती है. एक पॉइंट पे पूरी गायब हो जाएगी. मिरर की बात करी, एक पॉइंट पे पूरा गायब हो, डिसअपियर हो जाएगा. दैट इज फोकस पॉइंट. वापिस फिर वो पॉइंट के आगे रियल इमेज बनना स्टार्ट होता है. दैट इज इन्वर्टेड इमेज, राइट? स्मॉल साइज एंड देन उसकी साइज बढ़ती जाएगी. वैसे एक पॉइंट पे एक्चुअल साइज, फिर उसके आगे और साइज बढ़ेगी. वैसे होता है मैम. मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल मैम, अगर हम लोग ने उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो मैम मतलब एकदम मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा और मैम इन्वर्टेड भी मिलेगा. ओके. नहीं, मैग्नीफाइड मिलेगा और वर्चुअल इमेज मिलेगी. वर्चुअल मिलेगा. यस मिस. मतलब बिहाइंड द मिरर ना.
in front of the, behind the mirror, behind virtual image. It will not be the real image. Virtual image कौन सा रहता है? जैसे कि object है, तो object का real image का characteristics क्या होगा? Real image characteristics is inverted. And virtual image का characteristics same as the object. So that is virtual image, right? Yes, ma'am. तो हाँ, focus point के beyond अगर object को रखोगे तो आपको फोकस पॉइंट पे तो गायब हो जाएगा. फोकस पॉइंट के बियॉन्ड जाओगे तो आपको रियल इमेज बनना स्टार्ट होगा जो इन्वर्टेड होगा. ओके मिस. एंड हाँ, और उसकी भी साइज आफ्टर फोकस पॉइंट थोड़े डिस्टेंस पे, पहले स्मॉल स्मॉल एंड देन एक्चुअल साइज एंड देन अगेन साइज इंक्रीजेस. बस मैम प्लीज रिपीट ओ स्मॉल स्मॉल. हाँ, इनिशियली से दिस इज अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, object is very close to the concave mirror, then the image size will be large and it is virtual. theek hai, jaise jaise it goes to near to the focus point the size increases, at focus it disappears. theek hai, beyond the focus the size will be small size. theek hai, and then size increases, image will be inverted. abhi image inverted ho gayi. Then after some distance, image size will be same as object size. That is the actual distance आ जाएगा यहाँ पे. उसके बाद भी अगर आप करोगे तो वापस फिर और इमेज बड़ा 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 या छोटा छोटा वैसा. इसकी केसेस है, इसके केसेस लर्न करना. यू विल फाइंड समवेयर कोई टेक्स्ट बुक सोर्स अच्छे से. बेटा कोई टेक्स्ट बुक में इसका केसेस सब लर्न करके करोगे ना तो अच्छे से मिलेगा आपको सारे. मैम एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड के बुक में है, पर उसके अंदर खाली कॉनकेव मिरर का ही है, कॉनवेक्स मिरर का नहीं था. कॉनवेक्स का नहीं है ना, ज्यादा करके कॉनकेव मिरर. इसके लिए मैंने भी कॉनकेव ही बोला ना बेटा, क्योंकि वी ऑल्सो यूज प्रैक्टिकली. दिस इज वॉट प्रैक्टिकल वी डू इट इन द लैब, सो आई कुड एक्सप्लेन यू अच्छे से. क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पज के लिए भी कॉनकेव मिरर लेते हैं ज्यादा करके. कॉनकेव कॉनवेक्स, आप ही सोचो ना. कॉनवेक्स मिरर मतलब ऐसा डोम जैसा मिरर रहेगा. अभी कॉनकेव की अगर ऐसी इमेज बन रही है तो कॉनवेक्स मिरर का कैसा इमेज रहेगा? उसकी तो स्टार्टिंग से ही इमेज ऐसी बड़ी 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 दिखेगी, लार्ज डाइवर्जिंग. यस मिस, डाइवर्जिंग काइंड ऑफ इमेज. तो इमेज अच्छे से नहीं बनेगा, पूरा ऐसा डाइवर्ज जैसे हो जाएगा बेटा. इसके लिए कॉनकेव इज यूज होता है. परफेक्ट. ओके मिस. वही मैंने बोल रही ना, 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में आपको थोड़े थोड़े केसेस मिलेंगे, और ज्यादा केसेस के लिए फिर मैं देखती हूँ कहाँ से, तो आई विल सर्च कंटेंट फॉर यू. ओके मिस, थैंक यू मिस. बाय बाय. बाय मिस, थैंक यू मिस. बाय मिता. सो बाय ऑल ऑफ यू. अंजलि इज देयर? Bye bye. Anjali, Vani sir, Mahendra sir bhi nahi hai. Mahendra sir ko phone lagana. Anjali, bye bye madam. Bye bye. हेलो अंजलि.